Gurgaon has been a hub spot for the people of Delhi NCR, especially when it comes to buying beautiful antique decorative stuff for your home. The products are pretty useful when it comes to renovating your home, shifting to a new house, opening a new business like a restaurant or a clothing outlet, or for festive seasons. This marketplace rescues those people who actually want any home decor for an affordable price. Hi guys, it's Elam and welcome to my channel. I know this video is pending since I gave you virtual tour of Banjara Market and I mentioned that I will show you my haul in another video. So today is the day. If you haven't seen my video yet, do check that out on the link above or my description box. I have given the link there as well. So in today's video, let's see what all I have got from Banjara Market. We all know Karwa Chauth is around the corner and मुझे ये बहुत ही सुंदर सेट मिला करवा चौथ के लिए बंजारा मार्केट से. उन्होंने मुझे 900 पीस कोट किए थे बट आई गॉट इट फॉर 500 रुपीज. आई थिंक 500 भी ज़्यादा है इसके लिए बट आई एम नॉट अ वेरी गुड बार्गेनर एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट. देन आई गॉट दिस सेरेमिक बाउल जो मेरा स्पाइस रैक था, रिवॉल्विंग स्पाइस रैक, उसके ऊपर कुछ हैवी रखने के लिए मुझे चाहिए था. सो आई गॉट दिस. इसके अंदर मैं कुछ भी रख सकती हूँ एंड इट्स क्वाइट हैवी फॉर दैट, जो कि मुझे चाहिए था. एंड आई गॉट इट जस्ट फॉर 50 रुपीज़. उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ बोला था इसका. If you have seen my kitchen makeover video, उसमें मैंने आपको ये दो ट्रेस दिखाई थी. ये मुझे उन्होंने 300 का कोट किया था और मैं 200 की लेकर आई हूँ. ये मुझे उन्होंने 200 कोट किया था और मैं 100 की लेकर आई हूँ. इसको मैं रॉ ही लेकर आई थी सो दैट आई कैन मेक चेंजेस एज पर माई रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज वॉट आई डिड. यू कैन सी इन माई वीडियो हाउ आई डिड इट. यस. और मेकओवर वीडियो में ही ये मैंने दिखाया है जिसमें मैंने अपने स्पून्स टांगे हैं और ये पेगबोर्ड है. ऑनलाइन मैं चेक कर रही थी, इट वाज अराउंड 700 or 900 रुपीज़. ये मुझे चाहिए था सो दैट आई कैन ऑर्गेनाइज माय स्पून्स इन द किचन. और ये मुझे सडनली दिख गया बंजारा मार्केट में एंड शी कोटेड मी 250 रुपीज़ और मैं 250 में ये लेकर आई हूँ. वो इससे कम हो ही नहीं रही थी और मुझे ये चाहिए ही चाहिए था. तो सो बट आई थिंक 250 कंपेयर टू 700 विच वॉज वेरी सिंपल एंड आई गॉट डिज़ाइनर फॉर 250 रुपीज़. आई थिंक अच्छा है. नेक्स्ट ये बुके है. ये उन्होंने मुझे 600 का कोट किया था. आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज़, जस्ट फॉर 200 रुपीज़ एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल ब्लू रोजेस और बहुत बड़ा भी है. सी और फिर ये मेटल का वास है और हेवी है. ये मैं रॉ ही लेकर आई थी सो दैट आई कैन DIY. अभी मुझे इस पर कुछ काम करना है तो अभी मैंने नहीं किया है. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर सम स्पेयर टाइम फॉर इट. ये मुझे उन्होंने 250 का कोट किया था और मैं सिर्फ 100 रुपीज़ में लेकर आई हूँ. इट इज़ वेरी नाइस हैवी पीस, गुड फॉर 100 रुपीज़. देन लेट मी इंट्रोड्यूस दिस विंटेज चेयर टू यू. इन बंजारा मार्केट ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगी और इसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, अलग अलग हाइट की हैं, अलग अलग डिज़ाइन की हैं. मैं ये लेकर आई हूँ 900 रुपीज़ में. उन्होंने मुझे 1800 कोट किया था बट कोई भी मार्केट में सिंगल चेयर नहीं दे रहा था और नहीं देते हैं बिकॉज वो उनका सेट होता है, 2 chair and 1 table का सेट होता है उनका. बट मुझे एक ही चेयर चाहिए थी बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ इट एज अ प्रॉप फॉर माई वीडियो. सो एक ही बंदी मानी थी और उन्होंने मुझे 1800 कोट किया था बट 900 रोड होके ले ही ली थी क्योंकि बिल्कुल नहीं मान रही थी. 1200 तक आ गई थी बट 900 जाते जाते मैंने बस मतलब मेरे हस्बैंड जाके लेकर आए थे और 900 वाज द फाइनल प्राइस. देन ये है, ये उन्होंने मुझे 700 का बोला था और मैं 300 का लेकर आई हूँ. बहुत ही स्पेशियस है, एक ही बार में कम से कम 10 पौधों का पानी दे सकते हो. छोटे भी अवेलेबल हैं बट वो मुझे कोई यूज़ के नहीं लग रहे थे इसलिए मैं बड़ा लेकर आई हूँ और बहुत ही स्पेशियस है. इसमें और कोई कलर अवेलेबल नहीं था बट दिस वॉज ऑल्सो वर्किंग फाइन. इसके बाद मैं ये टोकरियाँ लेकर आई हूँ फॉर आलू प्याज. वेंटिलेटेड टोकरियाँ चाहिए होती हैं उनके लिए तो ये उसके लिए मुझे बेस्ट लगी. और क्योंकि हम अभी अभी रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं तो हमें कुछ ऐसा सब चाहिए था जिसमें हम आलू प्याज रख सकें एंड आई गेस दे फिट परफेक्टली वेल.
got it for 100 each. He told me 200 for one. And ये सूप बाउल्स वहाँ पे मिल रहे थे, बहुत ही कलरफुल है इसके अंदर का, बाहर से तो वाइट क्रीमिश ही है बट अंदर बहुत कलरफुल है, और इसमें चार कलर्स मैं लेकर आई थी। उन्होंने 100 रुपीज़ मुझे एक पीस का बोला था और मैं 70 में ये दो लेकर आई, आई मीन स्पून के साथ मैं ये 70 का लेकर आई, 50 का ये, 20 का ये, और मैं चार पीसेस लेकर आई थी। एंड क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो मुझे ये शुभ लाभ बहुत अच्छा लगा था, ये मैं दो पेयर लेकर आई थी, वन आई गेव इट टू माई माँ एंड द सेकेंड पेयर आई केप्ट इट। उन्होंने मुझे 400 कोट किया था एंड आई गॉट इट फॉर 200 रुपीज फॉर वन पेयर। अनदर आइटम फॉर दिवाली इज दीज हैंगिंग लैम्प्स, आई लव हैंगिंग लैम्प्स। ये उसने मुझे 450 का कोट किया था बट मुझे ये 250 में मिले हैं, आई गॉट फोर। इसमें होम सेंटर का टैग भी लगा हुआ है, किसी में कोई डिफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर वन, उसका ये जो थोड़ा सा टेढ़ा है, दैट्स इट। देन ये रग है, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि अब रग्स एंड कुशंस भी अवेलेबल होने लगे हैं वहाँ पे, तो मैं ये वाइट कलर का रग लेकर आई थी जो अभी क्रीम लग रहा है बिकॉज इट गॉट डर्टी, बट वाइट जब आया था तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, और अभी मैं धो दूँगी तो दोबारा से ठीक हो जाएगा। इट इज़ वॉशेबल एंड इट इज़ वेरी सॉफ्ट, क्वालिटी वाइज मुझे बहुत अच्छा लगा। दे कोटेड मी 900 फॉर दिस, आई गॉट फॉर 450 रुपीज। और लास्ट आइटम ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है, इट इज़ बीन बैग सॉर्ट ऑफ। उन्होंने मुझे 900 कोट किया था और मैं 600 का लेकर आई थी, उससे कम वो हो ही नहीं रही थी। इनिशियली ये ऐसा दिखता था बट अभी ऐसा हो गया है बैठ बैठ के, बट इट्स नॉट बिकॉज आई गॉट इट फ्रॉम मंजारा मार्केट, कहीं से भी आप लेंगे इसको तो वो ऐसा ही हो जाएगा, तो आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय दिस अनलेस यू आर गोइंग टू कीप इट एज अ शोपीस, उसका यही हो जाना है, सो डोंट बाय इट। ये मेरा वेस्ट हो गया, अब वेस्ट नहीं है बिकॉज आई एम कीपिंग इट ऑन माई टायर एज अ स्टूल, सो ओके। वी गॉट दिस फूड क्रेट फॉर आर पेट व्हिस्की, ये वुडन का है और इसमें बाउल्स इसके साथ नहीं आए थे, बाउल्स हमने अलग से एक बर्तन की शॉप से लिए हैं। बाउल्स मुझे 100 रुपीज़ ईच पड़ा और ये क्रेट उन्होंने मुझे 500 कोट किया था जो मैं 250 में लेकर आई हूँ, तो इन टोटल मुझे ये 450 का पड़ा। बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है अपने पेट के लिए, उसके फूड बाउल्स इधर उधर नहीं घूमते रहते बिकॉज उनकी आदत होती है कि एक बार खाना खाते हैं तो घसीटते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं, तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, और थोड़ी हाइट पे है तो वो ट्रेनिंग के लिए भी अच्छा रहता है डॉग्स की। नेक्स्ट वी गॉट दिस यूटेंसिल स्टैंड, वो हर जगह 900 का कोट कर रहे थे बट 500 से नीचे कोई आ ही नहीं रहा था, तो लास्ट हमने इसको 500 में ही लिया था, हमें बहुत पसंद आ रहा था। ये छोटा सा है और कॉर्नर में कहीं पर भी फिट हो सकता है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा था। That's it for the video guys. Thank you guys for watching my video. I hope you like it. And if you do, please don't forget to hit that like button, subscribe to my channel, follow me on Instagram account, and till then stay connected, spread love. Sayonara.